सुन रहे हैं ये सब? ये प्रॉपर्टी मेरे पैसों के लिए क्या? ओ, मैं भूल गया था कि हो तो तुम सुनंदा चौहान की ही बेटी, इसलिए तुम्हें सिर्फ पैसा ही नजर आएगा। पैसे की बात करके मेरे बदले की इंसल्ट मत करो रानी। ये पैसा, ये रुपया, ये प्रॉपर्टी मेरे लिए सिर्फ राख है, राख। लेकिन तुम्हारी मां के लिए ये सब कुछ है। राज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो, तुम्हें ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम चल के मेरी मॉम से बात करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी मॉम कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है रानी। तुम्हारी मॉम ने मेरे परिवार को बर्बाद किया, उसने मुझे अनाथ बनाया और अब उसे उसके किए की सजा मिलेगी। राज, राजू, राजू तू उसे कहाँ लेके जा रहे? राजू, राज मेरी बात तो सुनो। राज, अगर तुम्हें लगता है ये सब मेरी मॉम की वजह से हुआ है तो मेरे साथ घर चलो। चलो राज, हो सकता है तुम्हारी इस नफरत का कोई जवाब हो मेरी मॉम के पास। चलो तुम मेरे साथ। और हम, हमारा प्यार, तुम कहते हो ये सब नाटक था, पर नहीं, मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती राज। तुम्हें हमारे प्यार पर यकीन है रानी, लेकिन मेरी कही हुई बात पर यकीन नहीं है। क्यों? क्या ये है हमारा प्यार? इतना ही प्यार करती हो तुम मुझसे? क्या ये है राजा और रानी की कहानी? अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं कर सकती तो बेवजह इस झूठी कहानी को सच मत बनाओ रानी। तुम्हारी माँ के लिए तुमसे बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है ना? तुम अपनी माँ के लिए सबसे ज्यादा कीमती हो ना? इसलिए मैंने तुम्हारी माँ से उसकी सबसे ज्यादा कीमती चीज छीन ली है। हाँ रानी, तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा के लिए खो चुकी है, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। क्या तुमने मुझसे एक पल के लिए भी कभी प्यार नहीं किया? नहीं। ये बात मेरी आंखों में देखकर बोलो राज। मैंने एक पल के लिए भी तुमसे प्यार नहीं किया रानी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरी दुश्मन की बेटी हो रानी चौहान। मेरे दिल में अगर तुम्हारे लिए कुछ है तो वो है सिर्फ नफरत। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ उतना ही प्यार तुम भी मुझसे करते हो। हमारे बीच जो कुछ भी है वो कोई फरेब, कोई झूठा नाटक नहीं है राज। तुम और मैं तो एक होने के लिए इस दुनिया में आए हैं ना। तुम्हें याद है जब पहली बार हमने एक दूसरे को छुआ था, वो फीलिंग? राज, ऐसा प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है। इसे किसी स्टूपिड से बदले का हिस्सा बनाकर इसका हॉट चॉकलेट फज मत करो। I love you. I really love you. And मैं प्रॉमिस करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी, सारा गुस्सा की सारी नफरत सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा ये सब? बोलो, क्या तुम मेरे बाबा को मुझे लौटा सकती हो? मेरी बहन ने जो कुछ खोया है क्या तुम वो सब वापस दे सकती हो? बोलो रानी, मेरी माँ ने जो आंसू बहाए क्या तुम उन्हें मिटा सकती हो? बोलो रानी, मेरा बचपन, मेरी जिंदगी, मेरे परिवार ने जो कुछ खोया है क्या तुम वो सब लौटा सकती हो? जवाब दो रानी। यही है राजा और रानी की कहानी। राजा और रानी कभी एक नहीं हो सकते, न पिछले जन्म में, न इस जन्म में। ऐसा नहीं है। राजा और रानी साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। कभी नहीं।
कम ना हुई एक अधूरी सी हमारी कहानी रही आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं जो मिले इश्क सच्चा वही जिसको राजा मंजिले रंग थे नूर था जब करीब तू था एक जन्नत सदा ये जहां वक्त की रेत पे कुछ मेरे ये देखो बाबा मैंने सुनंदा चौहान को बर्बाद कर दिया बाबा मैंने उससे आपकी मौत का बदला ले लिया बाबा जिस औरत ने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली थी आज मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया बाबा मैंने ये सब पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है बाबा माँ कहाँ है तू आ राजू माँ मैं इधर हूँ क्या हुआ क्यों चिल्ला रहा है राजू माँ ये देख अपनी आंखों से देख सुनंदा चौहान की बर्बादी का सबूत आज मैंने अपनी सौगंध पूरी कर दी माँ जो कसम मैंने खाई थी आज पूरी हो गई मैंने शादी से पहले इन कागजात पे इन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर रानी के साइन ले लिए थे देख माँ ये उसके साइन है ये रानी के साइन ऐसा नहीं हो सकता माँ इन पर रानी के साइन थे माँ मैंने उसके साइन खुद लिए थे अपने हाथों से एक मिनट माँ एक मिनट रुक चाचू नहीं ऐसा नहीं हो सकता चाचू मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता माँ माँ मैंने पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार किया है मैंने सब कुछ सही किया था माँ इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता मैं माँ ये कैसे हो गया क्या कर दिया मैंने संभाल अपने आप को माँ राजू रो रहा है राजू क्यों रो रहा है वो दी सॉरी दी मैं रो नहीं रहा देख नहीं तो देखा उसने कहा ना नहीं रो रहा बस ऐसे ही जोर जोर से बातें कर रहा था एक काम कर तू जा हाँ जा हा? नानी नहीं रो रहा वो क्या हो गया तुझे क्या हो गया तुझे 6 साल का था तू जब तूने अपने से बड़े बच्चों से लड़ाई मोड़ ली थी पता है क्यों क्योंकि वो लोग तितलियां पकड़ रहे थे मेरे राजू के मन में सिर्फ लोगों के लिए प्यार और आदर होता था इतनी सारी नफरत कब घर कर गई रे बदले की भावना जंगल की आग की तरह होती है राजू नफरत की हवा लगी नहीं कि पूरा जंगल जल के राख हो जाता है इस नफरत से दूर रह राजू नहीं तो तू भी जल के राख हो जाएगा जो सब कुछ तेरे पास आज है ना वो भी खो देगा तू अब खोने को कुछ बचा ही क्या है माँ
सब कुछ तो मैंने खो दिया। जिस औरत को बर्बाद करने के लिए मैंने इतना कुछ किया, वो आज भी आराम से अपने महल में बैठी हुई है राजू। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मैं अब तेरा राजू नहीं हूं मां। सुनंदा चौहान ने बहुत पहले तेरे राजू को मार डाला था। नहीं राजू, तू ये सब कुछ भूल जा। मुझे मेरे बच्चे मेरे पास चाहिए। मेरी जीनी का मकसद खो जाएगा, मैं क्या करूंगी? तू मेरी चिंता मत कर। तेरा राजू अगर एक बार फेल हो भी गया, उसने हार मानना नहीं सीखा है। मैं जब तक उस सुनंदा चौहान को सड़क तक नहीं ले आता, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा मां। मैंने बाबा की कसम खाई थी मां, मैं उस औरत को बर्बाद करके रहूंगा। राजू, राजू रुक। हे मां, मेरे राजू को गलत रास्ते पे जाने से रोक लेना। रानी, रानी तुम कहां छुपी हुई हो? ये क्या मजाक है रानी? राज, तुम यहां क्या कर रहे हो? मां, रानी यही है ना, मुझे पता था वो यही होगी। देखिए, मैं घंटों से वहां उसका इंतजार कर रहा हूं और वो यहां घर पे। नहीं राज, रानी यहां नहीं आई। इनफैक्ट मैं तुम दोनों के घर आई थी, पर तुम दोनों घर पे नहीं थे। क्या, रानी यहां नहीं? लेकिन राज, रानी तो तुम्हारे साथ थी ना? वही तो मां, रानी मेरे साथ थी। हम दोनों किले पर भी गए थे, सोचा थोड़ा घूम आएंगे। लेकिन रानी को अचानक पता नहीं क्या सूझ गया, कहने लगी कि मैं वहीं रुकूं, क्योंकि उसके पास मेरे लिए कुछ सरप्राइज था। लेकिन 2 घंटे हो गए मां, पर रानी लौट कर आई नहीं। क्या? मैं और कितना इंतजार करता। मैंने हर जगह उसे ढूंढा, फिर मुझे लगा शायद वो फिर से कोई मजाक कर रही है। लेकिन फिर मुझे लगा शायद वो घर की ओर। हरी, मजाक तो वो करती रहती है, लेकिन ऐसा मजाक उसने कभी नहीं किया। हे भगवान, मैं रानी को कहां जाकर ढूंढूं मां? मां, रानी कहां गई होगी? बिना राज को बताए रानी जा कहां सकती है? वो ऐसा करेगी ही क्यों? क्या किया आपने मेरी रानी के साथ? बताइए कहां है वो? मैंने? मुझे नहीं पता रानी कहां है। मैं तो कब से तुम्हारे साथ ही हूँ सुनंदा, मैंने किसी को फोन तक नहीं किया। मुझ पे विश्वास करो, मैं नहीं जानती रानी कहाँ है। आपने ही उसके साथ कुछ किया है, बताइए प्लीज कहाँ है वो? ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो पुलिस को फोन करो। सच्चाई का पता अपने आप पुलिस लगा लेगी। पुलिस को तो मैं जरूर फोन करूंगी। राज, तुम जल्दी से रानी को ढूंढने के लिए कुछ लोगों को यहाँ से भेजो। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। जी। पुलिस को रानी नहीं, रानी की लाश मिलेगी। सॉरी रानी, आई एम सॉरी। जो कुछ हुआ उसमें ना तुम्हारी कोई गलती थी ना मेरी। मेरी तकदीर तो पहले से ही खराब थी, और फिर उसमें तुमसे मिलना भी लिखा था। जानती हो, जैसे तुम अपनी मां से प्यार करती थी ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने भी अपने परिवार से बहुत प्यार किया है। लेकिन देखो, तुमने जन्म लिया भी तो उसी औरत की कोख से जिसने मुझे बर्बाद किया। एक जन्म बाद मिली भी तो मेरी दुश्मन की बेटी बनकर, वो पता नहीं, वो हर बार हमारी कहानी में इतना दर्द क्यों लिखता है? पिछले जन्म में मेरे पिता ने तुम्हारे माँ बाप का खून किया, और इस जन्म में तुम्हारी माँ ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि इस जन्म में
मेरे लिए अपने प्यार से ज्यादा जरूरी अपने माँ बाबा को इंसाफ दिलाना है। बस अगर सब कुछ वैसा होता जैसा मैंने प्लान किया था तो अब तक तुम्हारी माँ सुनंदा चौहान इस महल के बाहर होती। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरी तकदीर तो मेरा साथ ही नहीं देती, इसलिए मुझे अपने बदले का यह सफर एक बार फिर शुरू से शुरू करना होगा। ये तो वही लड़की है रानी चौहान जिसकी खबर अखबार में छपी थी। क्या? हाँ। काम कर, फटाफट उठा इनको और बस्ती तक ले चल। हाँ। ये खबर मैं इनके घर देके आता हूँ। हाँ, बिल्कुल। फटाफट उठा, चल चल चल, उठा इनको, उठा, पकड़ आराम से, पकड़ आराम से, पकड़ा आराम से, पकड़ के गिरना चाहिए, आराम से पकड़ा। हेलो, हेलो, आप रानी चौहान की माँ बोल रही है? जी। आपकी बेटी हमें यहाँ घायल मिली है। राज, जल्दी आओ, अनर्थ हो गया। रानी, रानी नहीं रही। माँ, क्या हुआ? राज, राज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, रानी का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? मछुआरों की बस्ती से किसी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि रानी की हालत बहुत नाजुक है। क्या? अगर रानी को होश आ गया और उसने सबको सच्चाई बता दी तो? बेटा, ये बुत बन के क्यों खड़े हो, चलो ना। हाँ माँ, मैं आप लोगों से पहले वहां पहुंच जाऊंगा। आप लोग डॉक्टर साहब को लेकर सीधा वहां पहुंचिए, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। हेलो, हेलो डॉक्टर साहब, मैं सुनंदा चौहान बोल रही हूँ। रानी, मुझे माफ कर दो, तुम्हें खोने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया है। पर मैं क्या करूं रानी, तुम्हें फिर से पाकर मैं खुश भी तो नहीं हो सकता ना रानी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो मेरा सच बाहर आ जाएगा रानी, और मैं तुम्हारी मां से बदला नहीं ले पाऊंगा। रानी, रानी मेरी बच्ची कैसी है? रानी बेटा, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी माँ आई है। रानी,
रानी देखो ना मेरी तरफ, प्लीज उठो बेटा। डॉक्टर ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? रानी रानी देखो ना मेरी तरफ, अपनी आंखें खोलो बेटा। ये आपको कहाँ मिली? हम हमारा काम खत्म करके आ रहे थे तो ये रास्ते में हमें बेहोश मिली। सर में चोट थी और काफी खून भी बह रहा था, तो हम उठा के यहाँ ले आए और फिर इनके घर में भी हमने खबर कर दी। रानी बेटा आगे खोलो ना। किसी को कुछ मत बताना वरना मुझे फिर से कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता।